हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जिला प्रशासन कोडरमा के द्वारा जारी किया गया तीन मॉडल सेट, इंग्लिश का तीन मॉडल सेट में से दूसरे का कंप्लीट आंसर बताने जा रहा हूं। और काफ़ी अच्छी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं काफ़ी अच्छी तरह से समझाकर इस सब का आंसर बता सकूं। अगर आपने पहले मॉडल सेट का आंसर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर पहले मॉडल सेट का वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ। आप उस लिंक को क्लिक करके पहले मॉडल सेट को अच्छी तरह से समझ सकते हो। चलो देखते हैं दूसरे मॉडल सेट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछी गई है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में इनमें से दिए गए कौन सा ऑप्शन गलत है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मस्ट बी इनफॉर्मल। हम जब भी एडिटर को लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज में होती है, इनफॉर्मल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल। जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो एक्टिव और पैसिव वॉइस का रेशियो क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 70-30, 70% एक्टिव और 30% पैसिव वॉइस में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी एडेड इन नोटिस बियरिंग लॉस्ट टाइटल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिवॉर्ड टू द वन हु हैज फाउंड द ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई चीज़ को खोते हैं और उस पर अगर हमको नोटिस लिखनी हो तो हम लास्ट में रिवार्ड मेंशन करते हैं, पाने वाला कभी भी रिवार्ड मेंशन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नोटिस का पार्ट नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन लेटर का पार्ट है, नोटिस का पार्ट नहीं है। सब्जेक्ट, डेट और सिग्नेचर, ये तीनों चीज नोटिस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लुएंसी इन आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में क्या फ्लुएंसी होनी चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबिलिटी टू फाइंड आउट प्रॉन्स एंड कॉन्स। प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों ही चीजें आर्टिकल राइटिंग में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ नोटिस। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सबसे सुटेबल ऑप्शन होगी अगर हम नोटिस को लिखना शुरू करेंगे तो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिस इज टू इन्फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा अगर हम लेटर लिख रहे हैं और लेटर में जब डेट डाल रही हूँ तो डेट का सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। ए लेटर टू द एडिटर, इनमें से कौन से दिए गए ऑप्शन में से सबसे अच्छा फीचर्स होगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। स्टिक टू द पॉइंट, टू द पॉइंट होना चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए और रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, मतलब अगर वगैरह कोई चीज़ हम लोग इसमें मेंशन नहीं करेंगे। तो लेटर राइटिंग में हम टॉपिक से हटकर कोई चीज़ों को मेंशन नहीं करेंगे, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसी चीज़ को हम लोग वहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुमरेट एन इंटरव्यू इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ नोबल मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जैक मिस्टेकनली कॉल रोजर स्कंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजर स्क्वायरल। जैक जब अपनी बेटी जो को कहानी सुनाता है तब मिस्टेक में रोजर स्कंक को रोजर स्क्वायरल कह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर लैम्ब नॉट हैव कटिंग्स इन हिज होम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज He wanted visitors in his home. वो कभी नहीं चाहता था कि विजिटर लोग उसके घर पे ना आए, वो हमेशा चाहता था कि लोग उसके घर में आए, इसलिए वो कभी पर्दा या दरवाजे को बंद नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is Antarctica completely pure? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन। क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मनुष्य सर्वाइव नहीं कर सकता और ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होने के कारण वो कंप्लीटली प्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग एट ऑल द टाइम। ऑथर क्यों हमेशा प्रे करते रहता था कि क्राउड में शूटिंग हो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू अवॉइड एपिकल नरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमेज डज द पोएट चूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। इसमें कौन सा इमेज पोएट यूज करके ये बताने का प्रयास किया है, सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय। सुंदरता जो है वो क्या है, एंडलेस फाउंटेन की तरह, मतलब एक ऐसा फवारा है खुशियों का जो कभी खत्म ही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द लॉस ऑफ रैट ट्रिप्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पैडलर्स ग्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इमिटेड द सीन्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज ऑफ जॉनथम वैली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल तमिल प्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट हैव नो ट्रक विद डेट मींस। कीपिंग क्वाइट पोएम में एक लाइन यूज किया गया है, हैव नो ट्रक विद डेट, मृत्यु से कोई नाता नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी, हैव नो एसोसिएशन और डील विद डेट, मृत्यु से कोई नाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अंटार्कटिका अ रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। देखो यहाँ पे स्पेलिंग काफी मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होगा ना कि रेस्ट्रिक्टेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इट इज टू कोल्ड। ये इतना ठंडा है कि वहां पे कोई जाकर सर्वाइव कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे। अंग्रेज जमींदार लोग जो इंडिगो की खेती करने वाले किसानों से फोर्सफुल्ली जो लगान के रूप में पैसा वसूले थे, वो कितना लुटाने का बात करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम अनचिल्फस टाइगर इन स्ट्रेंजर वन इज। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप इस पोएम को देख लो। तो पोएम में क्या है, अनचिल्फस टाइगर पेंस अक्रॉस स्क्रीन, लास्ट में यहाँ पे एन का साउंड आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए, एन का साउंड के लिए हम लोग ए दे दिए। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यहाँ पर भी एन का साउंड आया, मतलब दोनों का एक ही साउंड है, ए ए हो गया। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, यहाँ पे क्या आया, ई का साउंड आया, एन से डिफरेंट है तो आप इसके लिए बी दे दिए। दे पेस इन सिलिक सिवर लिक सैटिनिटी, यहाँ पर भी ई का साउंड आ रहा है तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, बी। ये दोनों साउंड एक जैसा है, ई ई, और ये दोनों साउंड एक जैसा है, ए ए, इसलिए क्या हो गया, ए ए बी बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए ए बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी वॉज द ऑथर ऑफ इंडिगो अ मेंबर ऑफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज जेमिनी स्टूडियो सेट अप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीसीज यूज्ड इन द वर्ड्स सम शेप ऑफ ब्यूटी। सम शेप ऑफ ब्यूटी में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, तो यहाँ पे देखो एस एस साउंड का दो बार यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे साहेब वॉज सीन बाय द ऑथर वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। एक दिन ऑथर साहेब को देखती है, वो कहीं खड़ा होकर दो लोगों को कुछ खेलते हुए देख रहा था, तो वो क्या खेल रहे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did Dr. Sudhao give to the soldier? Dr. Sudhao soldier को क्या देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वेयर डिड द ट्रेन लीव फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल सेकेंड लेवल। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का दूसरे लेवल से ट्रेन कहाँ जाती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्पेलिंग मिस्टेक है। इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सबर्बन एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज चार्ली हियर इनिशियली व्हाइल वॉकिंग इन द थर्ड लेवल कॉरिडोर। जब वो थर्ड लेवल कॉरिडोर में गुजर रहा था, तो स्टार्ट में उसको क्या साउंड सुनाई देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉइस ऑफ पीपल। देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टी के बाद आई आई होगा, इनिशियली आरंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट। महाराजा अपने स्टेट में बाघ के शिकार को क्यों रोक देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कल्कि ट्राइंग टू शो इन हिज स्टोरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टॉट इन द हाई स्कूल इन याकिमा। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे स्कूल होगा, तो याकिमा की स्कूल में ऑथर कितना साल पढ़ाया था, ये डीप वाटर का क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टू ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एम सी ए स्टैंड्स फॉर, वाई एम सी ए का फुल फॉर्म क्या है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफी टोल्ड जेंसी दैट हर फादर इफ ही गॉट टू नो अबाउट हर मीटिंग विद डेनी वुड। सोफी जेंसी से कहती है कि अगर उसके पापा जान जाएंगे कि वो डेनी किसी से मिली है तो क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसके बाद वो कहती है कि मेरा मर्डर हो जाएगा, मेरे पापा हमको मर्डर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनी केसी वॉज प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, डेनी केसी कौन से फुटबॉल टीम के लिए खेलता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ियोफ नेवर टुक सोफी आउट विथ हिम बिकॉज ही थॉट सी वॉज। ज़ियोफ कभी भी अपने साथ सोफी को बाहर लेकर नहीं जाता था क्योंकि वो सोचता था सोफी क्या है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was roadside stand built? Roadside stand को क्यों बनाया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who are the pitiful kin in the poem roadside stand? Roadside stand में जो वर्ड यूज किया गया है pitiful kin, तो ये लोग कौन है। एक्चुअली यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, pitiful kin होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द पुअर रूलर फोक एंड फार्मर्स।